अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सेम जिस तरह हम दाल का हलवा बनाकर तैयार करते हैं, सेम इसी तरह बेसन के हलवे का भी टेस्ट होता है। अगर अभी तक आपने बेसन का हलवा ट्राई नहीं किया तो आप रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप बेसन ले लिए, छानकर इसे पैन में ऐड कर दे रहे हैं। 3 टीस्पून इसमें सूजी ऐड कर दिए। सूजी ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप कर लिया तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट बेसन और सूजी की भुनाई कर लेनी है, बिल्कुल स्लो आंच पे करनी है। अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे तो बेसन जल जाएगा, इसे हलवे में जो है वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 1/2 कप अब इसमें देसी घी ऐड कर देने। देसी घी में हलवा जो है वो बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 अदद अब इसमें इलायची ऐड कर देनी है। 2 से 3 मिनट दोबारा इसकी भुनाई कर लेंगे। 2 टीस्पून अब इसमें दूध ऐड कर देने। दूध ऐड कर दिए, 3 से 4 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे। आंच आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल स्लो कर लेनी है, अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो हलवा जो है वो जल जाएगा। 1/2 कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। 1 कप हमने बेसन लिया था और 1/2 कप इसमें शुगर ऐड कर दिए। अब हम 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि शुगर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 1/2 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। 1 कप पानी ले लिया था, इसे नीम गर्म कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ठंडे पानी का आपने यूज़ नहीं करना, गर्म पानी का ही यूज़ करना है। 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी, बादाम और पिस्ता। मैंने साबुत ऐड किए हैं, अगर आपने बारीक चॉप करके ऐड करने तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। मज़ेदार सा बेसन का हलवा जो है ये बनकर तैयार हो गया है। बेसन जो है आपने अच्छा वाला यूज़ करना है, बिल्कुल जिस तरह हम दाल का हलवा बनाते हैं सेम इसी तरह ही इस हलवे का टेस्ट है। बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर दिए। इंशाल्लाह अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।